बात करते हैं उस चोरी की जिसकी हर तरफ चर्चा है। ये चोरी हुई है भोपाल के स्टेट म्यूजियम में, जहां एक फिल्म के आइडिया को कॉपी कर चोर एक रात में करोड़पति तो बन गया, लेकिन सुबह होते ही उड़ गए उसके होश। धूम से आइडिया, 180 दिन की प्रैक्टिस और 15 करोड़ की चोरी, एक ही रात में बना करोड़पति, फिर पुलिस ने पकड़ा। अब तक फिल्मी आइडिया से चोरी की कई कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन भोपाल के स्टेट म्यूजियम में एक चोर 15 करोड़ की चोरी करने के लिए बिल्कुल फिल्म धूम के स्टाइल में पहुंच गया। चोर टूरिस्ट बनकर म्यूजियम में आया था, उसके बाद इसने बड़ी सफाई से करोड़ों के बेशकीमती सिक्के चुरा लिए। चोर दो दिन म्यूजियम के अंदर ही रहा, लेकिन सुबह जब म्यूजियम खुला और भागने लगा तब वो पकड़ा गया। आरोपी विनोद यादव पिछले 6 महीने से चोरी की तैयारी कर रहा था। उसने इसके लिए धूम फिल्म देखी थी। धूम फिल्म देखने के बाद ही उसे आइडिया आया। इसके बाद से वो लगातार भोपाल स्टेट म्यूजियम में जाता था, साथ ही वहां की व्यवस्थाओं को देखता था। 6 महीने में चोर ने म्यूजियम की सारी कमजोर कड़ियों को देख लिया था। आखिरकार वो रविवार को टूरिस्ट की तरह टिकट लेकर म्यूजियम में गया। इसके बाद उसने काफी सफाई से म्यूजियम में चोरी की। इसके बाद गार्ड्स को म्यूजियम में कुछ चीजें गायब होने की जानकारी मिली और फिर छानबीन की गई, तब आरोपी पकड़ में आया। दरअसल आरोपी चोरी के बाद म्यूजियम में ही छिपा था। गार्ड्स के जाने के बाद उसने भागने की कोशिश की। 25 फीट ऊंची दीवार फांदते वक्त गिरने से वो बेहोश हो गया और पुलिस ने बेहोशी की हालत में उसे पकड़ा। उसको लगा कि अब ये जो बड़ा दीवार है, 20-25 फीट का दीवार है, वही कूद के ही उसको भागना पड़ेगा कि उसके पीछे उस तरफ गार्ड नहीं होंगे सोच के। जब वो अटेम्प्ट किया तो फिसल गया, नीचे गिरा और पैर में उसको चोट लगी है। और जब पुलिस अपने सर्चिंग पार्टी लेके गए थे, हमें ये झाड़ियों के पीछे छुपते मिला, जिसके पास में ये थैला भी था, जिससे ये पूरे सामान रिकवर हुआ है। चोर के पास से गुप्तकाल, ब्रिटिश काल और नवाबी काल के करीब 2000 साल पुराने सिक्के, जिनकी कीमत करीब 8 करोड़ बताई जा रही है, वो जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि चोर बेहोशी की हालत में मिला, जिसके पास एक रस्सी, हाथ में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क थी। थैले से हमें मास्क, जो काले कलर का मास्क जो पूरा चेहरा कवर करने के लिए, ग्लव्स और आरी और अलग अलग जो ताला तोड़ने की जो चीजें होती है, वो रस्सा रस्सी सारी चीजें मिली। तो पूरे चोरी करने के नियत से ही आया था। ये 6 महीने पहले भी भोपाल में आ चुका है। ये इस मामले की जांच के लिए अब SIT का गठन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।